जी ऐसा है, इस सरकार में लगातार लगभग जब से सरकार चली आ रही है 1000 ब्राह्मण से ऊपर हत्या हो चुकी है ब्राह्मणों की, उस पर कोई सरकार एक्शन नहीं लेती है। अब ब्राह्मणों के साथ जो खेल खेला जा रहा है ये सर्वथा उचित नहीं है और इसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। कहते हैं केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है स्थान रखती है लोकसभा की सीट को देखते हुए। लोकसभा सीट की बात करें उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है यहाँ पर जो ब्राह्मण है वो काफ़ी तादाद में है, ब्राह्मण तबका काफ़ी तादाद में है। इस वक्त हमारे साथ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि जो आगामी 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें ब्राह्मण जो यहाँ पर ज़्यादा जो वोटर्स हैं ब्राह्मण के वो क्या भूमिका अदा करेंगे और वो किसकी पार्टी बनाएंगे, किस सत्ता की पार्टी बनाएंगे। हमारे साथ कई लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? बीनू शुक्ला, लखनऊ। बीनू जी ये बताइए आगामी 2024 का जो ये चुनाव आ रहा है लोकसभा चुनाव आएगा और लखनऊ जो है काफ़ी जो है चर्चित सीट रहती है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में ब्राह्मण जो यहाँ काफ़ी जो वोटर्स हैं लगभग 5.5 लाख वोटर्स हैं, उत्तर हो गया कैंट में तो पूरे ब्राह्मण भरते हुए हैं, पश्चिम में तो कितना महत्वपूर्ण ब्राह्मण का रोल रहेगा? देखिए ब्राह्मण को जो है सबसे बड़ा रोल लखनऊ लोकसभा में ब्राह्मण समाज का रहा है और रहेगा। हमेशा ब्राह्मण ने यहाँ से प्रधानमंत्री दिए हैं, माननीय स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, मगर ब्राह्मण समाज को सिर्फ वोट की मशीन समझा जा रहा है, वोट लो और बाद में गाली दो, ये लगातार ये पार्टियाँ करते आ रही हैं। अब की हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ब्राह्मण समाज लखनऊ समेत पूरे देश में जहाँ भी जाएगा एक समान वोट देने का काम करेगा, क्योंकि लगातार ब्राह्मण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आप कह रहे हैं ठगा सा महसूस कर रहा है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसके वजह से आपको लग रहा है कि ब्राह्मणों को ठगा गया है सरकार में? ब्राह्मणों के लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, दोहरी नीति लागू की जा रही है, एक तरफ सुल्तानपुर में हमारे भाई की हत्या की जाती ब्राह्मण समाज की, दूसरी तरफ पिछले कई वर्ष पहले कमलेश तिवारी की हत्या की गई, उस पर काउंटर प्रथा लागू नहीं होती है। अगर और किसी की हत्या हो जाती तुरंत काउंटर प्रथा लागू कर दी जाती है, ब्राह्मण को केवल वोट देने की वोट दे दो काम से हट जाए। लखनऊ में एक समय था जब लखनऊ लोकसभा के अंदर 3 यहां पे विधायक हुआ करते थे, अब लगातार जैसे पूर्वी क्षेत्र से कल्याण मिश्रा जी, इससे पहले और लोग भी हुए, पश्चिम से राम कुमार शुक्ला जी हुआ करते थे, कैंट से हुआ करते थे, मगर लगातार सरोजनी नगर से हुआ करते थे, लगातार ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व घटाने का काम कर रही है सरकार। तो हम लोग आने वाले समय में हम लोग ब्राह्मण समाज एकजुट करके जो सरकार सम्मान देगी ब्राह्मण समाज उसके साथ रहेगा। क्या नाम है आपका? राजेश शुक्ला। बिनी शुक्ला जी कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों की जो हत्याएं हो रही सरकार में और जब एनकाउंटर की बारी आती है तो ब्राह्मणों का एनकाउंटर कर दिया जाता है, तो क्या आपको भी लगता है कि जो है सरकार जो है दो तरफा है कि सिर्फ ब्राह्मणों के खिलाफ ही जो है इस तरीके की जो है पूरा जो है एक्टिविटी और वो कार्रवाई कर रही है? जैसा कि आप लोग भी देखते चले आ रहे हैं, अभी देवरिया कांड भी हुआ था, इसमें किसने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, अब उधर से बताइए सरकार ने क्या किया। ऐसे कभी सुनते चले आ रहे थे कि एक थोड़ा सा कुछ कार्रवाई उधर हुई कि उसका घर गिरा दिया जाता था। आज देवरिया कांड में देखिए टाइ टाइ फुस हो गया, उसका पूरा परिवार नाश हो गया, ब्राह्मण को क्या सुविधा दी गई, क्या उसके लिए परिवार को क्या सुरक्षा दी गई, कोई नहीं। बस उस समय सारा नेता उससे मिलने जा रहा था और उसके बाद मिले बस काम खत्म हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि जो है सरकार ब्राह्मण विरोधी है? ब्राह्मण तो सहयोगी रहा है लेकिन उसको अपना सरकार ना सहयोगी माने अलग बात है, लेकिन हमेशा ब्राह्मणों के द्वारा ही सरकार बनाई गई और हम लोग हमेशा वोट करते चले आ रहे हैं और इस बार भी मन बना रखा है कि चढ़ भरकर वोट करेंगे, सरकार अपना अपनाती तो ठीक, नहीं तो हम लोग सहयोगी उसके तो है ही है। तो नहीं तो क्या लग रहा है कि ब्राह्मणों की पैरवी नहीं हो पा रही? वहाँ अब डिप्टी सीएम है अपने ब्राह्मण समाज से है और एक मंत्री और हैं जो पीडब्ल्यूडी के हैं वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, मुख्य सचिव जो हैं वो भी ब्राह्मण हैं, तो क्या लग रहा है कि पैरवी नहीं हो पा रही ब्राह्मण? अगर ब्राह्मण की सुनी जा रही होती या उनकी भी सुनी जा रही होती सरकार में तो हम लोगों ने काम जरूर हो रहे होते। जब मैं उनके पास जाता हूँ अपनी ब्राह्मण सभा की कोई ऐसी मीटिंग लेकर के तो आ तो जाते हैं लेकिन उसका कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, और जो कोई समस्या ब्राह्मण को लेकर के जाते ये समस्याएं हैं वो समस्याएं लेकर के गए लेकिन कभी आज तक उसका उद्धार हुआ नहीं है। तो इससे हमें लगता है कि सिर्फ हम लोग सिर्फ वोट देते हैं सरकार को, सरकार हम लोग काम नहीं करती है, नहीं करती है। आपका क्या नाम है? आचार्य नीलमोल पांडे। आचार्य जी ये बताइए कि
सारे लोग कह रहे हैं कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं, जैसे अभी बताया कि देवरिया में हत्या हो गई, ये जब बुलडोजर चलने की बारी आती है तो ऐसे जब कोई ब्राह्मण मर जाता है, हत्या हो जाती है, तो जो किया रहता है कांड उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अगर कोई और दूसरा वही समाज से होता तो शायद कार्रवाई तुरंत कर देते हैं, ऐसा है क्या? जी ऐसा है, इस सरकार में लगातार लगभग जब से सरकार चली आ रही है 1000 ब्राह्मण से ऊपर हत्या हो चुकी है ब्राह्मणों की, उस पर कोई सरकार एक्शन नहीं लेती है। अब ब्राह्मणों के साथ जो खेल खेला जा रहा है ये सर्वथा उचित नहीं है और इसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। अब एक ब्राह्मण ब्राह्मण समाज बिल्कुल पिछड़ा समाज समझ के उसको किनारे कर दिया गया है। हम लोग आचार की डिग्री लेकर घूम रहे हैं, अभी आपके चेल्लू मारी भर्ती कहीं संस्कृत के टीचरों की आज तक भर्ती नहीं हुई, हम लोग बीएड करके घूम रहे हैं और कहीं कोई हम लोगों कोई भी कार्य नहीं होता, हम लोग जाते हैं अधिकारियों के पास, अरे महाराज आप ही की सरकार, ये कह के केवल झुटला लिया जाता है। जो ISBCS कोई काम देखने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पैरवी हम लोगों को क्या समझा रहा है, सरकार क्या समझ रही ये पता नहीं, लेकिन आने वाले समय में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना जरूर पड़ेगा। ये बताइए क्या नाम है आपका? हर्षद द्विवेदी। हर्षित द्विवेदी, ये बताइए अभी उन्होंने कहा कि आचार्य की डिग्री लेके घूम रहे हैं, शिक्षकों का बुरा हाल है, तो आपको क्या लगता है कि जो जो शिक्षा है, जो एक नींव होती है, उसमें भर्तियां निकलनी चाहिए? बिल्कुल। क्योंकि बिहार में अभी एक भर्ती वैकेंसी आई, विज्ञापन आया, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं आया, तो यहाँ के जो युवा हैं वो पलायन कर गए, वहाँ पे भर्ती के लिए अप्लाई किया, तो क्या लगता है कि शिक्षा में जो भर्तियां जो वैकेंसी नहीं निकल पाई, ये कहीं ना कहीं सरकार की खामियाजा है और 2024 में जो चुनाव होगा उसमें उस खामियाजा को जो सरकार को भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल, इस बात में पूर्णतः सहमत हूँ। सिर्फ भर्ती ही नहीं, चौतरफा जो विकास होना चाहिए, सब जगह कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ विफल दिखाई दी हैं, और अगर खासकर आप ब्राह्मण समाज की बात करें तो चाहे आर्थिक नीतियों पर हो या कहीं नौकरी की बात हो या प्राइवेट संस्था में भी, यहाँ तक कि नौकरी की बात हो या सरकारी हो, तो वहाँ पर जब ब्राह्मण 100 नंबर लाता है, अन्य कोई कास्ट में अगर उसका 60 नंबर है तो 60 नंबर सिलेक्शन होता है, ब्राह्मण को हमेशा रिजेक्ट किया जाता है। अब अगर आप ये सोचें कि जो पहले आरक्षण लागू हुआ था उस टाइम की समस्याएं, उस टाइम की नीतियां अलग थी, आज के टाइम में 60-70% से ज़्यादा ब्राह्मण गरीबी रेखा से भी नीचे है, लेकिन उसको कहीं पर भी सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ये खुला खुला ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसके ऊपर सरकार को मुखर होकर कोई ना कोई नीति बनानी चाहिए, जिससे जो ब्राह्मण आर्थिक तबके पर कमजोर है उनके साथ न्याय किया जाए। दूसरा, जो शिक्षा के स्तर पर अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है वो भी बहुत ही दयनीय है, कि हम लोग अच्छी अच्छी डिग्रियां, मैं खुद BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स हूँ, लेकिन जब मैं अप्लाई करता हूँ मेरे मार्क्स अगर 360 आए और अदर किसी के जो है 250 भी आ रहे हैं, तो 250 का सिलेक्शन होता है और कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं निकाली जा रही जिससे युवा अपना एक भविष्य आगे देख सके। इसी की वजह से बिहार हो या नोएडा हो, दिल्ली हो, अलग अलग यहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं, जब जॉब नहीं तो यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? अजीत दीक्षित। अजीत जी, राय आरक्षण की बात कर रहे हैं कि आरक्षण भी, तो क्या लगता है कि जाति जनगणना करानी चाहिए, फिर जिसकी जितनी हिस्सेदारी, लोग विपक्ष भी कहता रहता है, उसमें भागीदारी देनी चाहिए, तो क्या उस अनुपात से जो है रिजर्वेशन लागू करना चाहिए? जी बिल्कुल सहमत है, जातिगण जनगणना होनी चाहिए। हाँ, जैसे बिहार में हुई। हाँ, जातिगण जनगणना हो मगर उसका दुरुपयोग न हो, और जो रही बात आरक्षण की, तो वो आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि एक ब्राह्मण हमारे समाज का हर तबका का अमीर है, तो ये गलत बात है। सरकार उस अच्छा, चीज को केवल सरकार तो रोजगार की बात हो रही है, सरकार तो कह रही है कि हम जो है करोड़ों जो है रोजगार करोड़ों लोगों को दिए, तो इससे आप सहमत नहीं? भैया हम सरकार की बात से तो नहीं सहमत हो सकते हैं, अपने बीच के हम 100 व्यक्ति निकाल कर उसमें हम अपना परसेंटेज निकाल के, अगर आप देख सकते हैं तो आप लोग सारा दिन देखते हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, तो सरकार दावा कर रही है करोड़ों भर्तियों का रोजगार देने का, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है? भाई हम यही कहना चाह रहे हैं कि अपने बीच से अगर 1000 व्यक्ति उठाकर सर्वे कर लिया जाए तो अभी पता चल जाएगा पूरी सच्चाई। और भी लोग हमारे साथ हैं, क्या नाम है? अनुज त्रिवेदी। अनुज जी, ये बताइए जो चुनाव अभी 2024 का आ रहा है, और ब्राह्मण जो है लखनऊ जो है बाहुल जो है ब्राह्मण बाहुल जगह है, ब्राह्मणों की तादाद ज्यादा है, तो ऐसे में ब्राह्मणों की क्या भूमिका होगी 2024 का जो इलेक्शन है जो आएगा? अभी अटल बिहारी वाजपेयी जो यहाँ से सांसद रहे, अभी राजनाथ सिंह हैं, तो क्या लगता है कितना बड़ा रोल प्ले करेगी? ब्राह्मणों ने हमेशा विश्व बंधुत्व की भावना से और जो है विश्व का कल्याण हो ऐसी भावना से कार्य किया है, लेकिन सभी सरकारों ने ब्राह्मणों के लिए कुछ भी नहीं किया है। आज तक जो भी भाई हमारे उच्च स्तर पर बैठे हुए हैं ब्राह्मण भाई, अगर कोई लोकसभा में विधानसभा में कहीं आवाज़ उठानी होती है, कोई ब्राह्मणों के हित में आवाज़ उठाने वाला नहीं है यहाँ। मतलब कि जो मंत्री हैं भाजपा में, हाँ, ब्राह्मण चेहरा,
वो लोग पैरवी नहीं करते, की नहीं सुन रहे हैं कोई भी नहीं। तो ऐसा क्यों आप लोग अपनी बात नहीं रखते हैं कि वोट लेने जब आते हैं? रखी जाती है जो उनके आगे पीछे भी चल रहे हैं हमेशा जो है उनकी तक बात नहीं मानी जा रही है, ना कहीं से ब्राह्मण का हित हो रहा है। ऐसे में ब्राह्मण समाज क्या करेगा? अब ब्राह्मण समाज एक सब एकजुट हो चुका है, सब जान चुका है, अब आगे आने वाले समय में देखा जाएगा जो होगा उस हिसाब से कार्य करेगा। क्योंकि अभी तक जो है हम लोग काफ़ी जो है भाजपा को ही वोट देते आए हुए हैं, जब से जो है हमारा वोट बना है तब से भाजपा को ही वोट देते आए हुए हैं, लेकिन जो है कहीं पे भी ब्राह्मण का विकास के नाम पे जीरो है, यानी कि ना खुश हैं कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जाति जनगणना क्या वाकई ये बड़ा मुद्दा है कि सिर्फ इसे सिर्फ भुनाया जा रहा है इलेक्शन के लिए, या फिर वाकई जाति जनगणना होनी चाहिए? जाति जनगणना के ऊपर है कि लगातार सरकारें बनती हैं, आज़ादी के बाद कुल एक बार जाति जनगणना हुई, लगातार जाति के नाम पे लोग बेवकूफ़ बना रहे, राजनीतिक रोटी सेकी जा रही। जहाँ तक चुनाव की बात है, गरीब की कोई जात नहीं है, ब्राह्मण में भी गरीब है, अन्य जातों में गरीब है, जो गरीब है उसकी आर्थिक मदद की जाए, जाति जनगणना से कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ होने वाला नहीं, नहीं। जी तो ये थे लखनऊ के ब्राह्मण समाज के लोग, जिनका कहना है कि ब्राह्मणों के साथ जो है जाति की जा रही है, जब ब्राह्मणों की निरसंग तरीके से हत्या कर दी जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। साथ ही साथ जो युवा वर्ग है वो काफ़ी जो है परेशान है, क्योंकि उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, शिक्षा जो डिपार्टमेंट है उसमें भर्तियाँ नहीं निकल रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें आतंकी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उनका कहना है कि जो अपकमिंग इलेक्शन 2024 का आ रहा है उसमें ब्राह्मण समाज एकजुट होकर सरकार को करारा जवाब देंगे। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।